Advantages of public key encryption. The main restriction of private key encryption is the sharing of secret key. A third party cannot use this key. Sir, screen. Okay, the main restriction of private key encryption is the sharing of secret key. A third party cannot use this key. In public key encryption, each entity creates a pair of keys and they keep the private one and distribute the public key. ठीक है, private key या फिर secret key encryption में क्या होता था कि जो उनके पास एक single key available होता था जिसको private key बोला जाता था या secret key बोला जाता था, ठीक है, तो वो उसको share करना पड़ता था, उसको share करना होता था, ठीक है, ओवर द नेटवर्क उसको शेयर करना होता था, उसी से ही एनक्रिप्शन होता था, उसी से ही डिक्रिप्शन होता था. लेकिन पब्लिक की में क्या किए कि एक पेयर बना दिया गया. पेयर किसका बना दिया गया? पब्लिक की और प्राइवेट की का पेयर बना दिया गया. ठीक है, तो प्राइवेट की हो जो होता है, जैसे किसी भी एक प्लेटफॉर्म की अगर हम लोग बात करें तो उस प्लेटफॉर्म में जितने भी यूजर्स होंगे सबके पास अपना अपना एक प्राइवेट की होगा. ठीक है, और जो प्लेटफॉर्म के द्वारा मिला होगा उसको हम लोग बोलते हैं पब्लिक की. वो सभी यूजर्स पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. ठीक है, तो जो भी हम लोग यहाँ पे पेयर यूज करेंगे, जो भी हम लोग पेयर यूज करेंगे, ठीक है, तो वो पब्लिक की और प्राइवेट की का पेयर होगा. ठीक है, प्राइवेट की जो होगा हर एक इंडिविजुअल यूजर्स के पास में होगा, पब्लिक की जो होगा वो कॉमन होगा सभी यूजर्स के लिए. ठीक है, जो भी उस प्लेटफॉर्म को यूज करे सबके लिए जो एनक्रिप्शन एल्गोरिथम होगा सबके लिए सेम होगा. लेकिन जो डिक्रिप्शन एल्गोरिथम होगा जस्ट उसका उल्टा होगा और उसमें वहां पे यूज किया जाएगा प्राइवेट की और पब्लिक की, दोनों यूज किया जाएगा. ठीक है, तो ये दोनों का एक मेन एडवांटेज. इससे क्या होगा कि हमारी सिक्योरिटी जो है वो ज्यादा बढ़ जाएगी. ठीक है, मतलब कोई भी किसी का भी मैसेज एक सिंगल की से नहीं खोल सकता. ठीक है, पब्लिक की लगा दिया लेकिन जब तक वो प्राइवेट की अप्लाई नहीं करेगा तब तक वो उस मैसेज को डिक्रिप्ट नहीं कर सकता. ठीक है, तो ये मेन एडवांटेज होता है पब्लिक की एनक्रिप्शन का. ठीक है, या फिर हम लोग इसको बोलते हैं एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी या फिर एनक्रिप्शन. ठीक है, सेकेंड एडवांटेज है द नंबर ऑफ कीज इन पब्लिक की एनक्रिप्शन इज रिड्यूस्ड ट्रिमेंडसली. फॉर एग्जाम्पल, फॉर 1 million यूजर्स टू कम्युनिकेट ओनली 2 million कीज आर रिक्वायर्ड, नॉट 500 million कीज एज इन द केस ऑफ सीक्रेट की एनक्रिप्शन. ठीक है, 1 million यूजर्स है. ठीक है, तो हम लोग को कितने की जरूरत पड़ेगी? 2 million कीज की जरूरत पड़ेगी. ठीक है, जस्ट मान के चलो डबल. ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ सिक्योरिटी जो है बढ़ानी है. ठीक है, तो वहां पे पब्लिक की तो होगा ही होगा, साथ में 1 million यूजर्स के लिए प्राइवेट की भी होगा. ठीक है, जितने भी यूजर्स है सबके पास एक एक कॉपी जाएगा पब्लिक की का और सबके पास एक एक प्राइवेट की होगा इंडिविजुअल यूजर्स के पास. अगर 1 million यूजर्स हैं तो 1 million पब्लिक की का कॉपी बनेगा और 1 million प्राइवेट की जो इंडिविजुअल यूजर्स के पास में होगा जिससे वो सारे मैसेजेस को डिक्रिप्ट करेंगे. ठीक है, तो जैसा कि सीक्रेट की में होता था कि अगर 1 million यूजर्स है तो जस्ट 500,000 कीज ही जनरेट करना पड़ता था और वही कीज को शेयर करना पड़ता था क्योंकि उसी यूजर्स में से ही आपस में दो लोग कम्युनिकेट करते हैं. तो हम लोग को वहाँ पे 500,000 की ही जरूरत पड़ती है. ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे कीज दो की यूज होने के कारण वहाँ पे हम लोग को डबल करना पड़ता है और काफी अच्छी हम लोग को वहाँ सिक्योरिटी मिल जाती है. तो ये मेन एडवांटेज होता है पब्लिक की एनक्रिप्शन का. ठीक है, अब यहाँ कुछ डिसएडवांटेज भी है पब्लिक की एनक्रिप्शन के. सबसे फर्स्ट आता है स्पीड. One of the major disadvantage of the public key encryption is that it is slower than secret key encryption.
इन सीक्रेट की एनक्रिप्शन ए सिंगल शेयर्ड की इज यूज्ड टू एनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट द मैसेज विच स्पीड अप द प्रोसेस व्हाइल पब्लिक की एनक्रिप्शन डिफरेंट टू कीज आर यूज्ड बोथ रिलेटेड टू ईच अदर बाय ए कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रोसेस देयरफॉर वी कैन से दैट एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन टेक्स मोर टाइम इन पब्लिक की एनक्रिप्शन. अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग सीक्रेट की एनक्रिप्शन का अगर यूज करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, सिंगल की होता है. ठीक है, सिंगल की को यूज़ करके हम लोग मैसेज को एनक्रिप्ट भी करेंगे और उसी से ही हम लोग डिक्रिप्ट भी करेंगे. दोनों काम सिंगल की से हो रहा है. ठीक है, तो वहाँ पे जो प्रोसेस होता है वो एक ही कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन लगा होगा उसमें. ठीक है, सेम मेथड से वो एनक्रिप्ट भी कर रहा है, सेम मेथड से डिक्रिप्ट भी कर रहा है. तो वहाँ का जो एनक्रिप्शन या फिर डिक्रिप्शन होगा बहुत फास्ट होगा, क्योंकि वहाँ सिंगल की है, सिंगल मेथड लगाना है वहाँ पे. ठीक है, अब पब्लिक एनक्रिप्शन में क्या हो गया, दो चीज़ों में डिवाइड हो गई. ठीक है, दो अलग अलग की है, एक पब्लिक की एक प्राइवेट की. ठीक है, तो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होगा. ठीक है, दोनों में ही कुछ कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रोसेस चलेगा, उस मैथमेटिकल प्रोसेस से वो एनक्रिप्शन भी परफॉर्म करेगा, डिक्रिप्शन भी परफॉर्म करेगा. ठीक है, एनक्रिप्शन के लिए तो चलो एक ही की यूज़ हो रहा है, पब्लिक की, लेकिन जब उस मेथड से हम लोग डिक्रिप्शन करेंगे तो वहाँ पे पब्लिक की और प्राइवेट की दोनों यूज़ हो रहा है. तो दोनों की मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होंगे, उसके हिसाब से वो मैसेज को डिक्रिप्ट कर पाएगा. तो जनरली जो स्पीड होती है यहाँ पे रिड्यूस हो जाती है. ठीक है, बहुत ज़्यादा रिड्यूस नहीं होगी, लेकिन काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाती है. मान के चलो अगर हम लोग सीक्रेट की एनक्रिप्शन यूज़ कर रहे हैं तो वो काफ़ी फास्ट रहेगा एज़ कम्पेयर टू 30-40%, ये थोड़ा स्लो रहेगा. ठीक है, लेकिन हम लोग को यहाँ सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा मिल जाती है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे पब्लिक की एनक्रिप्शन को यूज़ करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आता है ऑथेंटिकेशन. ए पब्लिक की एनक्रिप्शन डज नॉट हैव बिल्ड इन ऑथेंटिकेशन. विदाउट ऑथेंटिकेशन द मैसेज कैन बी इंटरप्रेटेड और इंटरसेप्टेड विदाउट द यूजर्स नॉलेज. ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो पब्लिक की एनक्रिप्शन होता है, ठीक है, इसके अंदर कोई भी ऑथेंटिकेशन नहीं होता है. ऑथेंटिकेशन मीन्स क्या होगा, जो भी यूजर्स वहाँ पब्लिक की यूज़ कर रहे हैं, प्राइवेट की यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उसका कोई भी रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया जाएगा. मतलब वो यूज़र को पता ही नहीं होगा कि कैसा टाइप का मेथड यूज़ किया जा रहा है वहाँ पे. ठीक है, वहाँ कैसे कैलकुलेशंस हो रहा है, वो सारी चीज़ें पता ही नहीं चल पाती है. ठीक है, मैसेज वहाँ इंटरप्रिट होता है, मीन्स एक प्लेन टेक्स्ट से चेंज हो जाता है साइफर टेक्स्ट में, साइफर टेक्स्ट से चेंज होता है प्लेन टेक्स्ट में. ठीक है, यूज़र को इसका नॉलेज नहीं होता है. ठीक है, मीन्स यूज़र के ऑथेंटिकेशन से कोई लेना देना नहीं होता है इसका. ठीक है, यूज़र अपना लॉगिन करेगा यूज़र आईडी पासवर्ड से. ठीक है, देन उसके बाद जब मैसेज ट्रांसमिट करेगा या फिर मैसेज रिसीव करेगा, उस केस पे सिर्फ उतने ही मॉड्यूल पे एनक्रिप्शन काम करता है, हर जगह एनक्रिप्शन काम नहीं करता है. जब कोई मैसेज भेजा जा रहा है या फिर कोई मैसेज रिसीव हो रहा है, ठीक है, उतने ही टाइम पे जो हमारा एनक्रिप्शन प्रोसेस है वो काम करता है, डिक्रिप्शन प्रोसेस है वो काम करता है. ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑथेंटिकेशन होता है, ठीक है, वो इस एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन प्रोसेस के लिए नहीं होता है. ठीक है, यहाँ पे जो भी एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन होगा वो डायरेक्ट लगाया जाता है और वो यूज़र के लॉगिन के बाद में किया जाता है. ठीक है, जो भी उसका चैट प्रोसेस होगा वहाँ पे किया जाएगा. ठीक है, तो वहाँ पे अलग से ऑथेंटिकेशन हम लोग को देने की ज़रूरत नहीं होती और देते भी नहीं है. ठीक है, तो अब इसका डिसएडवांटेज क्या है, अगर ऑथेंटिकेशन नहीं दे रहे हैं तो अब हो सकता है कि कोई हमारे यूज़र से लॉगिन कर ले और वहाँ का एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन जो वहाँ पे लगा हुआ है उसका कीज़ को चुरा ले. अगर की चुरा लेगा तो उसको समझ जाएगा कि वो एनक्रिप्शन का पैटर्न क्या है, वो किस टाइप का प्रोसेस यूज़ किया है वहाँ पे, क्या एल्गोरिथम यूज़ किया, वो जान जाएगा. ठीक है, तो हो सकता है कि जो मैसेज है वो रीड कर ले. ठीक है, या फिर जो कीज़ है वहाँ पब्लिक की और जो प्राइवेट की उसको चेंज कर दे, ऐसा भी हो सकता है. ठीक है, तो यहाँ ऑथेंटिकेशन नहीं है, उसका भी कोई कारण है क्यों नहीं है यहाँ पे. ठीक है, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है. थर्ड आता है इनएफिशिएंट.
ठीक है. द मेन डिसएडवांटेज ऑफ द पब्लिक की इज इट्स कॉम्प्लेक्सिटी. इफ वी वॉन्ट द मेथड टू बी इफेक्टिव लार्ज नंबर आर नीडेड बट इन पब्लिक की एनक्रिप्शन कन्वर्टिंग द प्लेन टेक्स्ट इनटू साइफर टेक्स्ट अलोंग यूजिंग लॉन्ग कीज टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. देयरफॉर द पब्लिक की एनक्रिप्शन एल्गोरिथम आर एफिशिएंट फॉर शॉर्ट मैसेजेस नॉट फॉर लॉन्ग मैसेजेस. ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग सीक्रेट की एनक्रिप्शन यूज करते हैं तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है. मीन्स अगर हम लोग वहाँ पे एक ही की यूज कर रहे हैं तो हम लोग उसी से एनक्रिप्ट कर दिए और बड़े से मैसेज को भेज दिए. ठीक है, रिसीवर के पास वो पहुँचा, उसने क्या किया, सेम की यूज करके उसको डिक्रिप्ट कर लिया. मीन्स वहाँ पे जो मैसेज के नंबर्स हैं, ठीक है, मैसेज के जो नंबर्स हैं वो ज़्यादा भी हो सकते हैं. ठीक है, और वहाँ की कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है वो भी ज़्यादा होती है, क्योंकि जब हम लोग एक ही की यूज़ कर रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है कि उसका जो एल्गोरिथम रहेगा बहुत स्ट्रांग हम लोग बनाएंगे. ठीक है, लेकिन जो पब्लिक की एनक्रिप्शन होता है, यहाँ पे जो प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट कन्वर्ट किया जाता है किसी भी की के द्वारा, ठीक है, मतलब वहाँ पे एक पब्लिक की लगाया जाएगा जिससे प्लेन टेक्स्ट टू साइफर टेक्स्ट में चेंज किया जाएगा. ठीक है, तो वो जो ड्यूरेशन होता है वो काफ़ी लंबा समय होता है, क्योंकि वहाँ जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है. जो वहाँ एनक्रिप्शन प्रोसेस होगा उसकी जो प्रोग्राम्स होते हैं उसकी कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होती है. ठीक है, तो वहाँ पे प्लेन टेक्स्ट टू कन्वर्ट करना साइफर टेक्स्ट में वो काफ़ी लेंदी प्रोसेस होता है. ठीक है, तो जनरली जो पब्लिक की एनक्रिप्शन होता है वो हम लोग शॉर्ट शॉर्ट मैसेज के लिए यूज़ करते हैं. ठीक है, जैसे हम लोग कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, इसमें बहुत ज़्यादा लंबे लंबे मैसेज हम लोग नहीं भेजते हैं. ठीक है, हम लोग इसको टुकड़े टुकड़े में भेजते हैं, दो लाइन, चार लाइन, दो चार वर्ड, पांच वर्ड, इस टाइप के, क्योंकि वो जो मैसेंजर है वो उसी टाइप से डिज़ाइन किया गया है. ठीक है, वो यूज़र रिस्पेक्ट में डिज़ाइन किया गया, मालूम है यूज़र बहुत ज़्यादा लंबा लंबा मैसेज नहीं भेजेगा, क्योंकि वो मैसेज तो फ्री है. ठीक है, तो क्या करेगा, छोटे छोटे मैसेज भेज देगा. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो टाइम लगता है, ठीक है, तो वो टाइम शॉर्ट हो जाता है, क्योंकि वहाँ मैसेज भी छोटे होते हैं, तो एनक्रिप्शन का जो प्लेन टेक्स्ट से कन्वर्ट करेगा साइफर टेक्स्ट में वो टाइम जो है वो छोटा हो जाएगा. ठीक है, तो हम लोग जनरली जो छोटे छोटे मैसेज होते हैं, शॉर्ट मैसेजेस होते हैं, वहाँ पे पब्लिक की एनक्रिप्शन यूज़ करते हैं. अगर जहाँ पे बड़े मैसेजेस की बात हुई तो वहाँ पे हम लोग सीक्रेट की एनक्रिप्शन का यूज़ करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे तीन मेन डिसएडवांटेज है, एक पहला स्पीड, दूसरा ऑथेंटिकेशन, थर्ड इनएफिशिएंट. ठीक है, बड़े मैसेजेस के लिए एफिशिएंट नहीं होता है, छोटे मैसेज के लिए ही एफिशिएंट होता है. ठीक है, तो ये तीन मेन डिसएडवांटेज होते हैं पब्लिक की एनक्रिप्शन के. ओके, डिफरेंस बिटवीन सीक्रेट की एनक्रिप्शन एंड पब्लिक की एनक्रिप्शन. तो यहाँ पे बेसिस ऑफ कंपैरिजन हमारा क्या है, कुछ कुछ पॉइंट्स है, उस बेसिस पे हम लोग यहाँ पे डिफरेंसेस कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट कॉलम में है सीक्रेट की एनक्रिप्शन, सेकंड कॉलम में है पब्लिक की एनक्रिप्शन. तो फर्स्ट आता है डिफाइन, कैसे डिफाइन किया जाता है. सीक्रेट की एनक्रिप्शन इज डिफाइंड एज द टेक्निक दैट यूजेस अ सिंगल शेयर्ड की टू एनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट द मैसेज. ठीक है, एक सिंगल की यूज करता है एनक्रिप्ट करने के लिए और डिक्रिप्ट करने के लिए. पब्लिक की एनक्रिप्शन इज डिफाइंड एज द टेक्निक दैट यूजेस टू डिफरेंट कीज फॉर एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन. ठीक है, दो डिफरेंट कीज यूज करता है. ठीक है, ये मेन डिफरेंस है. सेकंड आता है एफिशिएंट. ठीक है, एफिशिएंसी. ठीक है, इसकी एफिशिएंसी क्या होती है. इट इज एफिशिएंट एज दिस टेक्निक is recommended for large amount of text. ठीक है, सीक्रेट की एनक्रिप्शन क्या करता है, बड़े बड़े लार्ज अमाउंट ऑफ टेक्स्ट के लिए यूज किया जाता है. ठीक है, उसी के लिए वो एफिशियंट होता है. पब्लिक की एनक्रिप्शन इट इज इनएफिशियंट एज दिस टेक्निक इज यूज ओनली फॉर शॉर्ट मैसेजेस. ठीक है, पब्लिक की एनक्रिप्शन जो होता है वो शॉर्ट मैसेजेस के लिए यूज किया जाता है, जनरली
लार्ज अमाउंट ऑफ टेक्स्ट के लिए ये यूज नहीं किया जाता है. ठीक है, अदर नेम इसका क्या है, इट इज ऑल्सो नोन एज सिमेट्रिक की एनक्रिप्शन. ठीक है, सीक्रेट की या फिर जो प्राइवेट की एनक्रिप्शन होता है उसी को ही सिमेट्रिक की एनक्रिप्शन भी बोला जाता है. ठीक है, और पब्लिक की एनक्रिप्शन को क्या बोला जाता है, एसिमेट्रिक की एनक्रिप्शन. ठीक है, क्वेश्चन अगर ऐसा आता है व्हाट इज ए प्राइवेट की व्हाट इज ए पब्लिक की, तो हम लोग क्या लिखेंगे, एसिमेट्रिक की और सिमेट्रिक की में ही जो हम लोग लिखना है वही हम लोग लिखेंगे, या फिर इस सभी चीज सेम होता है. ठीक है, क्योंकि देखो ओके स्पीड में इट्स स्पीड इज हाई एज इट इज यूज सिंगल की फॉर एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन. ठीक है, सिंगल की यूज करने के कारण क्या होता है, इसकी स्पीड जो रहती है हाई होती है. ओके, पब्लिक की एनक्रिप्शन में क्या होगा, इट्स स्पीड इज स्लो एज इट यूजेस टू डिफरेंट कीज, बोथ कीज रिलेटेड टू ईच अदर थ्रू द कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकल प्रोसेस. ठीक है, दो अलग अलग कीज यूज होते हैं और दोनों कीज जो है आपस में रिलेटेड होते हैं और उसमें कुछ ना कुछ मैथमेटिकल कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस चलते रहते हैं जिसके कारण उसका स्पीड जो होता है स्लो होता है. ठीक है, एल्गोरिथम्स, द सीक्रेट की एल्गोरिथम्स आर DES, 3DES, AES, RCA. ठीक है, पब्लिक की में होते हैं, ठीक है, डिफी हेलमैन, ठीक है, और RSA. ठीक है, दो टाइप के एल्गोरिथम होते हैं इसके अंदर. ठीक है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला RSA होता है और यहाँ सबसे ज्यादा यूज होने वाला DES होता है. ठीक है, डेटा एनक्रिप्शन सिस्टम, और RSA का फुल फॉर्म देख के बताऊंगा क्या होता है. ठीक है, देन उसके बाद पर्पस, द मेन पर्पस ऑफ द सीक्रेट की एल्गोरिथम इज टू ट्रांसमिट द बल्क डेटा. ठीक है, कोई बहुत बड़ा डेटा है, कोई डॉक्यूमेंट अगर हम लोग को सेंड करना है एनक्रिप्शन लगा के, तो वहाँ पे हम लोग सीक्रेट की एनक्रिप्शन का यूज़ करते हैं या फिर सिमेट्रिक की एनक्रिप्शन का यूज़ करते हैं. ठीक है, अगर छोटे छोटे टेक्स्ट हम लोग को भेजना है तो हम लोग पब्लिक की का यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, द मेन पर्पस ऑफ द पब्लिक की एल्गोरिथम इज टू शेयर द कीज सिक्योरली. ठीक है, तो जनरली कोई कीज़ को हम लोग को सिक्योर करना है या फिर छोटे छोटे टेक्स्ट को हम लोग को अगर सिक्योर करना है तो हम लोग पब्लिक की एनक्रिप्शन का यूज़ कर सकते हैं. तो इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग ने डिफरेंस देखा अलग अलग पैरामीटर्स में. ठीक है, एफिशिएंसी, स्पीड, एल्गोरिथम्स, पर्पस,